वांट टू नो द रियलिटी ऑफ कैप्चास। देखिए आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि हम कैप्चास को स्टडी करने वाले हैं, आखिर इनकी रियलिटी क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कैप्चास फिलअप करना एक रोबोट के लिए आसान है, बट स्टिल why we are filling it to prove that we are humans. तो इस चीज को आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड मैं आपको बता दूं जैसा दिख रहा है वैसा रियलिटी में नहीं है। अपन स्टडी करेंगे ताकि आपको पता चले रियलिटी क्या है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है, देखिए WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे, आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके, प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले जाता हूँ एंड आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। आपने देखा होगा कैप्चास कैसे बनते हैं, आपने देखा होगा कुछ इमेजेस होती है सेक्शंस वाइज डिवाइडेड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल है या सर्कल है, आपको कह दिया सेलेक्ट द बॉक्स इन सर्कल, तो आप क्या करेंगे, इसको 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 एंड इसको 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 ऐसे बॉक्सेस को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट, ऑब्वियसली आप यही करते हैं। चलिए अब इसी सिनेरियो को एक रोबोट के वे में देखते हैं। अगर एक रोबोट होता तो वो कैसे सेलेक्ट करता, देखिए अगर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल अपन एक बना देते हैं, अगर ट्रायंगल को सेलेक्ट करना है तो बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो यानी 1, 2, 4 एंड 5 ये बॉक्सेस ही सेलेक्ट होंगे ऑब्वियसली अगर आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना है तो, जो कि जनरल बात है एंड साथ ही साथ 7 भी होगा। अब देखिए टेक्निकली देखा जाए तो काफी जनरल बात है, एक रोबोट भी इस इमेज को देख कर सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन क्या रोबोट के रिफ्लेक्सेस होते हैं, क्या वो रिफ्लेक्स टाइम रख सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट पे टैप करता हूँ तो मेरा टैप कहीं यहाँ आएगा, अगर माउस से भी करता हूँ तो क्लिक यहाँ आएगा, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ। देखिए आप देख रही यहाँ पे कहीं लिनियरिटी नहीं है, यहाँ कहीं भी कुछ लीनियर नहीं है या कुछ सेंट्रिफिक नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वन वाला जो ब्लॉक है उसके एग्जैक्ट सेंटर में या जो सेकंड नंबर है उसके एग्जैक्ट सेंटर में मेरा क्लिक या टच नहीं गया, ना ही जा सकता है। अगर एज एन ह्यूमन आप नहीं कर सकते किसी भी एक इमेज के या एक बॉक्स के एक्यूरेट सेंटर पे क्लिक, अगर आप यहाँ भी करते हैं तो आपके आंखों से वो दिख रहा है बट ज्योमेट्रिकली हो सकता है वो एग्जैक्ट सेंटर ना हो, ये केसेस भी होते हैं, बट रोबोट मोस्टली या जो ये बॉट्स होते हैं ये मोस्टली सेंटर पे क्लिक करते हैं। चलिए अगर हमने ये भी डिसाइड कर दिया कि सेंटर नहीं है तो कैसे डिसाइड होगा, देखिए अगर 1 एंड 2 क्लिक हो रहा है तो यहाँ पर ऐसा होता है कि 1 से सेकंड तक जब आपका कर्सर जा रहा है वो जनरल इंसान का, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना पेन स्ट्रेट लाइन में ले जाने की कोशिश करूँगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने प्रॉपर कोशिश करी बट स्टिल क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं, आप अपने माउस को यहाँ से यहाँ तक कितना भी ले जाएं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, बट एज अ बॉट एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाने के लिए वो x एंड y एक्सिस का ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन खींचती है, जो कि एक ह्यूमन पॉसिबली नहीं है कि वो ये कर सके, है ना, तो यहाँ पर ये चांस नहीं है। तो वो डिटेक्ट कैसे करते हैं, पहला ये वो देखते हैं कि एग्जैक्ट सेंटर पर क्लिक हो रहा है क्या, अगर हर इमेज के एग्जैक्ट सेंटर पर हो रहा है तो वॉट है, एक इमेज से दूसरे इमेज तक जाने के लिए लीनियर अगर फॉर्मेशन हो रही है हर ब्लॉक के लिए तो यहाँ पर वो बॉट है। मान लेते हैं किसी और फंक्शन की वजह से वो एसच ऐसा इन्होंने एक पैटर्न बना दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल वो ये देखते हैं पहले ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक एंड या जो भी ब्लॉक्स क्लिक हुए हैं उनके बीच में टाइम ड्यूरेशन क्या है, यानी अगर फर्स्ट और सेकेंड क्लिक में अराउंड 0.1 सेकेंड लगा है एंड 2 से 4, 4 से 5, 5 से 7 इन सब में 0.1 सेकेंड लगा है तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन इतना टाइम एक्यूरेट नहीं हो सकता, हमारी क्लिक्स इतनी फास्ट या इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, हर बार सेकंड्स में कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा, ये चेंजेस से भी वो डिटेक्ट करते हैं हम ह्यूमन है या नहीं है, बेसिक ये रहता है। अब कई बार आपने देखा होगा आप सही से क्लिक कर देते हैं सब चीजें, स्टिल आपको वो रीकैप्चा दे देता है, वापस से कहता है कि आप एक बार वापस फिल करो, तब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वो यही चीजों को रिवैल्यूएट करता है, नो डाउट ये चीजों को रिवैल्यूएट करता है बट साथ ही साथ आपके DNS की हिस्ट्री भी चेक करता है, वो आपकी DNS हिस्ट्री को चेक करेगा,
अब अगर आप इनकॉग्निटो मोड में हैं तो भी आपके वाईफाई के अंदर डीएनएस के हिस्ट्री रहती है, तो वो वहां से वो डेटा ले लेगा। अब वहां से डेटा लेके वो कैसे पता चलाएगा कि आप ह्यूमन है या नहीं? देखिए जनरल बात है, एज अ ह्यूमन आप मुझे खुद बताइए, क्या आपका सर्चिंग पैटर्न एक्सप्लोरिंग पैटर्न सेम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप अगर एक रील भी देखते हैं, सेकंड रील उस सेम पैटर्न से नहीं है, पैटर्न चेंज हो रहा है, क्लिक्स कर रहे हैं, सर्चेस कर रहे हैं, सबका पैटर्न अलग है। ऐसा तो नहीं है कि एक बॉट की तरह है कि आज सुबह उठते ही 10 बजे ये सर्च करना है, 11 बजे वो सर्च करना है, ऐसा नहीं है, राइट? अगर ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न दिखता है आपकी हिस्ट्री में तो वो डिटरमाइन करता है कि ये बॉट है, बट अगर फिक्स पैटर्न नहीं दिखता तो वो देखता है कि हाँ ये ह्यूमन है, तो हाँ कैप्चर्स आपकी हिस्ट्री को चेक करते हैं। चलो अगर ये सब हो चुका, स्टिल आपने देखा होगा ये इमेजेस ही क्यों देते हैं हमें। अब देखिए इसमें भी एक पॉइंट है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो इमेजेस आती है वो मॉडल्स के तरफ से आती है। अब यहाँ पर एक्ट्रेस एंड वो मॉडल्स नहीं, यहाँ पर आते हैं LLM मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिनके थ्रू मशीन लर्निंग कराई जाती है, या जो बड़े डेटा सेट्स होते हैं जो मशीन लर्निंग में यूज़ होते हैं, या जिनको अगर आप बात करें AI ट्रेन करने के लिए यूज़ करा जाता है, आप उसे समझ सकते हैं, बट मेनली मशीन लर्निंग होती है वो। अब मशीन लर्निंग के लिए जो इमेजेस है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए इनपुट दिया जाता है, सेट्स दिए जाते हैं, डेटा सेट। बट उन डेटा सेट्स में कुछ इमेजेस होती है जो वो खुद से नहीं समझ पाता, क्योंकि अगर आप ML को भी डिटेल में देखें ना, ML के भी कई टाइप्स होते हैं। देखिए मशीन लर्निंग भी सेल्फ एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऐसे टेक्निक्स होती है, अब उनको अपन कभी और डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अपने फील्ड का पार्ट नहीं है, बट स्टिल उसमें भी ज़्यादातर जो सेल्फ लर्निंग वाले जो मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स, उस केस में एक दो बार आप एक इंस्ट्रक्टर या एक यूज़र उसे गाइड करता है, उसके बाद वो डेटा सेट देता जाता है, वो खुद समझता रहता है। ऐसे ही मशीन लर्निंग खुद से लर्निंग कंटिन्यू करती है। अब इस केस सिनेरियो में एक यूज़र हर बार आपको इनपुट नहीं देता रहेगा, वो अपना काम आसान कराने के लिए क्या करते हैं, मशीन लर्निंग इनपुट लेती रह रही है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको एक इमेज मिला, एक इमेज में एक पर्सन है एंड पीछे स्टार है फॉर एग्जांपल, तो वो इमेज मशीन लर्निंग उसे स्कैन करेगी, डिटेक्ट करेगी एक स्टार है एंड एक ह्यूमन है, अगर ये डिटेल सही आएगी तो वो टिक हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, राइट? बट अगर कोई ऐसी इमेज है जो कि उसे समझ में नहीं आ रही है मशीन लर्निंग वाले को, तो वो क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां बोल रखा है स्टार एंड ह्यूमन, तो उसने स्कैन करा, उसे स्टार एंड ह्यूमन मिले तो टिक। एक अगर इमेजेस इसमें बोला है कि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट, ठीक है, उसमें भी ट्रैफिक लाइट्स अगर बोला है तो क्या होगा, इस इमेज में वो ढूंढेगा, बट उसे अगर इमेज में ट्रैफिक लाइट नहीं मिलती तो गूगल क्या करता है, ऐसे कैप्चा किसी ना किसी यूजर को दिखा देता है। अब उसके सेक्शंस क्यों करता है, वो करता है मॉडल्स को अच्छे से एग्जामिन कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रैफिक लाइट यहाँ पर है कुछ ऐसे, तो अपन ये सेक्शन एंड ये सेक्शन को चेक करते हैं, राइट? तो मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ इन्हीं दो फ्रेम्स को फोकस करके ये चेक करता है कि यहाँ पर सही में ट्रैफिक लाइट है या नहीं। अब उसने जितना स्टडी करा है, अगर वो मैच होता है तो वेल एंड गुड, वरना ये इमेज डंप कर दी जाती है, या इसके और भी फेजेस होते हैं, हम अभी उन फेजेस को डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल ये फेजेस होते हैं जिनसे आपको वो पास आउट करा था इस इमेज को, बट फिर नई इमेज देता है अगर ये करेक्ट नहीं होती है तो। बट करेक्ट होती है तो अपने पैनल में हाँ समझ जाता है, सीख लेता है खुद कि यही वो इमेज है जो ट्रैफिक लाइट कंटेन कर रही है, तो वो आगे खुद को ऐसे ट्रेन करता रहता है। अब इसी मॉडल्स के थ्रू कई सारी चीज़ें, जैसे AI ड्रिवन कार, फॉर एग्जांपल AI ड्रिवन कार है वो रोड पे चल रही है, ट्रैफिक अगर डिटरमाइन नहीं कर पाई तो प्रॉब्लम है, राइट? बट ऐसी इमेजेस से अगर वो खुद को ट्रेन करा रहे हैं तो बेटर है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर फॉलोअप होती है। तो यहाँ पर एक बात अगर देखा जाए तो आपको लग रहा है कैप्चा जैसी छोटी सी चीज से क्या ही हो जाएगा, बट देखा जाए तो AIs, LLM मॉडल्स, AI ड्रिवन कार्स एंड मैनी मोर, कई सारे ऐसी चीजें जो डेटा से ड्रिवन हो सकती है, वो चीजें ट्रेन कराई जा रही है आपके थ्रू। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपका डेटा भी लिया जा रहा है। देखिए टेक्निकली मैंने जैसा आपको बताया कि आपकी हिस्ट्री चेक करी जाती है, DNS की चेक करा जाता है कि आपने क्या क्या सर्चेस करे, वो पैटर्न भी समझता है वो, तो वो पैटर्न एंड वो डेटा भी उनको पता है, जो भी कैप्चर कंपनी है या फिर गूगल, मोस्टली गूगल के कैप्चर्स आते हैं, बट स्टिल और भी कंपनीज है जैसे एच कैप्चा एंड वेरियस मोर, तो उन्हें भी आपका डेटा मिलता रह रहा है, तो उस डेटा से खुद को और ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं, डेटा बेच रहे हैं या मॉडल्स बना के बेच रहे हैं, AI ड्रिवन मॉडल्स, है ना, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल आपके डेटा से ही या आपके इनपुट से ही सारी चीजें ट्रेन हो रही है, आप ही मदद कर रहे हो उनके AI मॉडल को ट्रेन करने पे। तो ये है एक्चुअल रियलिटी, यानी आप जैसा कैप्चा को सोच रहे थे, रियलिटी उससे कई ज्यादा डीपर थी। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आई? एंड अगर आपके माइंड में स्टिल कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट डाउन करना, एंड
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंसेप्ट्स के साथ। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी एंड चीज़ें समझ आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, ताकि वो भी जाने कि रियलिटी आखिर है क्या। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।